अलीगढ़ की सरकारी कोठी नंबर 48 इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसका कारण है हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी, जिसमें वो रह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसको खाली कर पंचकुला शिफ्ट होने का फैसला किया है। हालांकि फिलहाल ये कोठी किसी और को अलॉट नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है कि कोठी में रहने वाले मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित हो जाता है। कोठी में रहने वाले मंत्री के अगले विधानसभा चुनाव में जीतने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। फिलहाल कोठी में रह रहे दुष्यंत चौटाला भी इस कोठी को 5 साल पूरा होने से पहले ही खाली कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण मौजूदा समय में उनका मंत्री ना होना बताया जा रहा है। कोठी नंबर 48 सेक्टर 2, चंडीगढ़ की कोठी नंबर 48 इन दिनों काफी चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जो है वो रहे हैं। सरकार से गठबंधन टूटने के बाद अब ये कोठी जो है उनके द्वारा खाली कर दी गए हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला चंडीगढ़ से इस कोठी को खाली करके पंचकुला के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वही कोठी है जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला जो है वो रहे हैं। अब ये कोठी खाली करके पंचकुला जो है वो जा चुके हैं। इस कोठी के साथ कई धारणाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं कि इस कोठी में रहने वाले मंत्रियों में ज्यादातर अगली दफा विधानसभा तक नहीं पहुंचते। अब दुष्यंत सिंह चौटाला इस कोठी को 5 साल पहले ही खाली कर गए हैं। हालांकि अब वे मंत्री नहीं है इसलिए खाली करना भी पड़ता है, लेकिन उनके करीबी ये जरूर चर्चा कर रहे हैं, चलो ठीक है कोठी में 5 साल नहीं पूरे हुए क्योंकि 4.5 साल सरकार के साथ गठबंधन जो है उनका चला है, 4.5 साल तक ही वो इस कोठी में रहे। तो जिस तरीके से अलग अलग धारणाएं जो है वो उस कोठी को लेकर जो है वो चल रही है। बताया ही जाता है कि चंडीगढ़ में कोठी नंबर 48 सेक्टर 2 में है और यहाँ हरियाणा कोटे के अन्य कोठियां भी जो है यहाँ है जिसमें मंत्री रहते हैं। इस कोठी में इनेलो सरकार में चौधरी धीरपाल सिंह रहे हैं और वे 1999 से 2005 तक कोठी में रहे, लेकिन उसके बाद नहीं जीते। इस कोठी में कांग्रेस सरकार बनने पर तब वित्त मंत्री वीरेंद्र सिंह रहने लगे, लेकिन वे 2019 में हार गए और उचाना सीट पर ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें विधानसभा चुनाव जो है वो हराया। कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल की बात करें तो दूसरे कार्यकाल में जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो इस कोठी के अंदर रहे। उसके बाद जो है 2014 में उन्हें ये कोठी खाली करनी पड़ी क्योंकि सत्ता जो है वो कांग्रेस के हाथ से चली गई थी। अगर भाजपा सरकार की बात की जाए तो भाजपा सरकार में 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस कोठी में रहे थे, उसके बाद वो चुनाव जो है वो हार गए थे और उसके बाद ये कोठी जो है वो दुष्यंत सिंह चौटाला को जो है वो अलॉट हो गई थी। अब 4.5 साल तक जो है सरकार में अलायंस रहा और अलायंस के बाद जो है वो गठबंधन जो है कहीं ना कहीं टूट गया, उसके बाद दुष्यंत सिंह चौटाला को ये कोठी जो है वो खाली करनी पड़ी। धारणा यही बताते हैं कि ये कोठी में जो भी व्यक्ति या फिर जो भी विधायक जो है मंत्री रहता है वो उसके बाद जो है वो चुनाव नहीं जीतता, यानी कि ना ही वो विधायक बनता ना ही वो मंत्री बनता। तो इस कोठी को लेकर जो है तरह तरह की चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया के साथ साथ लोगों के जहन में भी हैं और लोग जो है इस कोठी को लेकर इन दिनों चर्चाएं जो है वो कर रहे हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़।